स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। हम आज कांग्रेस के कार्यालय में भी गए, उनके समर्थकों से बातचीत की। हम उसके पश्चात बीजेपी के कार्यालय में भी गए, उनके समर्थकों से भी हमने बातचीत की। और अब हम सडौरा रामबाग के सामने, यानी कोटला चौक है, यहाँ के सामने जो कार्यालय आजाद समाज पार्टी कांसीराम पार्टी का सोहेल सडौरा जिसके प्रत्याशी रहे, इसके ऑफिस में बाहर तो कोई खैर बैठा नहीं है, लेकिन बाइक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। इस कारण से लगता है कि कार्यालय में लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, अगर कोई हुआ तो ज़रूर बातचीत करेंगे। बाकी जैसी प्रभु इच्छा। हाँ, कुछ नज़र आ रहे हैं चेहरे, तो मैं देख रहा हूँ जूते चप्पलें काफ़ी उतरी हुई हैं, तो चहल पहल है ऑफिस में, चहल पहल है। तो मैं तो ये समझ रहा था कि शायद कोई नहीं होगा। ये देखिए, ओ सोहेल जी भी, सोहेल सडौरा भी बैठे हुए बाई चांस, ये कमाल हो गया। चलो, पहले प्रत्याशी है इस पार्टी के, एक पार्टी के जिनके से बात होती है। सोहेल, सभी को नमस्कार जी। भाई साहब, वाह जी वाह, एक थोड़ी सी बातचीत चला रहे थे कि चलो करते हैं चुनाव की आपातापी से, आप लोगों को भी थोड़ी मुक्ति हो गई, थकावट उतर गई होगी, तो शुरुआत तो सोहेल जी से ही करेंगे। सोहेल जी, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लगातार दिन रात दौड़े आप, भागे, लोगों से संपर्क किया, वैसे ही कई महीने से वैसे ही दौड़ रहे थे आप तो जी, इससे पहले भी। तो पहले तो ये बताओ, थकावट उतर गई या नहीं उतर गई? थकावट बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल थकावट नहीं हुई और ना थके हैं। हाँ जी, जी जी, थकावट ना पहले हुई है और ना आगे थकावट होगी। हम सड़कों पे संघर्ष करने वाले लोग हैं, ये बात, और लगभग 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, कभी थकावट हुई नहीं है। बिना थके काम करने चलने वाले लोग हैं, बिना थके, ये बात, युवा अवस्था भी है बहुत। जी जी, तो सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली जी, क्या कहेंगे अब की बार केतली? अच्छा, सडौरा के अंदर अब की बार केतली आ रही है। आप 8 तारीख को देखिएगा। नहीं, 10 तक तो खैर आपने दे दी। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 8 तारीख को हम बहुत अच्छे मार्जिन से हम सडौरा में जीत हासिल करेंगे, और सडौरा की जनता की आवाज बनकर हम विधानसभा के अंदर जाएंगे, और वहां पे जनता के सभी मुद्दों को, जो जिनको आप आज तक छेड़ा नहीं गया, उन सभी मुद्दों को हम हल करवाने का काम करेंगे, जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। सोहेल जी, विधानसभा के सभी गांव में जा चुके होंगे आप तो? जी बिल्कुल, लगभग सभी गांव में जा चुके हैं। कुछ गांव रह गए हैं आर्थिक कमजोरी के कारण या संसाधनों के कारण, कुछ गांव रह गए हैं हमारे, उसके लिए हम उन लोगों से, उन अपने परिवारों से माफी चाहेंगे, क्योंकि हम एक, ये मान लो कि आर्थिक रूप से कमजोर पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और मैं खुद भी बड़ा गरीब परिवार से आता हूं, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण हम अपना प्रचार प्रसार या अपने बैनर पोस्टर, ये मान लो कि उतना नहीं छपवा पाए जैसे लाखों रुपए के दूसरी पार्टियों ने छपवाए, जैसे करोड़ों रुपए दूसरी पार्टी, बड़े बड़े काफिले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो ऐसा हम नहीं कर पाए। हमें जनता का प्यार जो मिला, हमें गरीब लोगों का जो प्यार मिला, वो हमारे काम की वजह से प्यार मिला, और जो हमें वोट डली है वो हमें हमारे काम की वजह से हमारे को वोट डली है। तो वोट डली अच्छी, बहुत अच्छी वोट डली है। मतलब ये मान लो कि जिन बूथ के ऊपर, जिन गांव के अंदर हम नहीं गए थे, उन गांव से भी हमें बहुत भारी मात्रा में वोट डली है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी जो वोटर्स का, अपने सडौरा वासियों का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को मैं हाथ जोड़कर ये धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने इतना प्यार मान सम्मान दिया, और सडौरा का जो मेरा परिवार है, जहाँ मैं रहता हूँ, सडौरा के लोग भी, मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा ये मान लो कि ये सोचता रहा कि मैं आज चला जाऊँगा, कल चला जाऊँगा, उस वजह से लगातार कार्यक्रम लगे रहे, और एकदम से पता ही नहीं चला कि चुनाव की डेट आ गई। और जिस दिन हम जब हमें सडौरा में घूमने का, हमने सडौरा में आशीर्वाद लेने का जिस दिन हमने समय रखा, तो उस दिन हमारा जो है कोई ना एक ऐसा मामला हो गया कि हमें वहाँ पे जाना पड़ गया, तो थोड़ा वो भी कैंसिल हो गया। उसमें भी मैं बड़ा आज अंदरूनी रूप से थोड़ा सा दुखी हूँ कि मैं अपने सडौरा के वासी जो हमारे हैं उनका जाके आशीर्वाद नहीं ले पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब जाएंगे, हम सभी से मिलेंगे दोबारा, आशीर्वाद सभी का लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंकलन आ गया होगा, क्या कुछ लगता है आंकलन? सभी देखिए लोगों का, जैसे सुबह से लोग मिलने वाले आ रहे हैं, और कल भी रात को लोग मिलने वाले 12 बजे तक चलते रहे, 1 बजे तक चलते रहे, आज भी लोग मिलने वाले आ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, सभी की अपडेट आ रही है, जितने बूथ थे हमारे सभी बूथ से अपडेट आ रहे हैं कि कितना वोट डाला है, सभी ने बहुत भारी मात्रा में वोट डाला है आजाद समाज पार्टी को। चुनाव हो गया तो चंद्रशेखर आजाद से बात हुई? जी, चंद्रशेखर जी से बात हुई, और चंद्रशेखर जी ने बड़ा हौसला दिया, और मतलब हमारे को समझाया कि कल जैसे जो रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन की रणनीति बताई, और
आगे की भी रणनीतियां बताई, चुनाव जीतने के बाद किस प्रकार से हमें लोगों की आवाज उठानी है, किस प्रकार से गरीबों की आवाज उठानी है, मतलब कारवा चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। और आपके सहयोग से, सढ़ोरा वासियों के आशीर्वाद से ये कारवा सभी का सहयोग लेके बहुत बड़ा काफिला बनेगा। और सढ़ोरा के हक, जो आज तक हकमारी हुई है, जिन लोगों ने हकमारी किया सढ़ोरा वासियों की, उन सभी हकों को दिलवाने का हम काम करें। तो दावा तो उधर कांग्रेस, उधर बसपा, सॉरी बीजेपी और साथ में ये बसपा इनेलो वाले भी पूरा दावा करें, हम तिकोणा मुकाबला है, बिल्कुल बिल्कुल दावा तो सभी करते हैं। और एग्जिट पोल ऊपर कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, एग्जिट पोल जब रिजल्ट आएगा, देखिए रिजल्ट क्यों अंदर, वो सभी कुछ आ जाएगा। जनता का प्यार हमें बहुत मिला है, हमें जनता के प्यार के ऊपर हम आपको कह रहे हैं, रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, 8 तारीख को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हमें जो हम कह रहे हैं कि हम जीत क्यों रहे हैं, हम जनता के जो प्यार हमें मिला, जो आश्वासन, जो समर्थन हमें मिला, जिस प्रकार से जनता ने हमें प्यार दिया, मैं कह रहा हूं कि 258 बूथ थे, 258 बूथ में लोगों ने अपने खर्चे से और अपने घर से बूथ लगाए हैं। हमने मात्र उनको जो है, जो सामग्री होती है बूथ की, वो सामग्री प्रोवाइड की है, और सभी का पूरा टोटल खर्चा लोगों ने अपने परिवार से, अपने घर से किया। ये प्यार, जो मान सम्मान जो लोगों ने दिया, हमने यहाँ से अपने आप को जीता हुआ मान लिया है, और हमें पूरा विश्वास है कि 8 तारीख को हम बहुत ज़्यादा वोट से हम जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपके समर्थकों से बात करना चाहेंगे तो आप ही बताइए किससे हम बात करें। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष। आशीष जी बताओ, सोहेल जी तो बहुत एकदम से कह रहे हैं कि जीत 110% है, तो आपका क्या कहना है? जीत 110% है जी, जीतेंगे पूरे। कल हम सर्वे पे थे, पूरे बूथों पे सर्वे किया जी, पूरे बूथों से अपडेट आई, पूरा बहुत ही भारी समर्थन मिला, पूरी बहुत ही भारी मतों से समर्थन है, समर्थन जो जीत निश्चित है जी जी। चलिए भाई साहब, आप भी बताओ जरा, तो क्या कुछ कहना है आपका? हम बहुत ही भारी वोटों से जीतने वाले हैं जी, भाई सोहेल सढ़ोरा को विधानसभा में बहुत जल्द ही देखने वाले हैं जी। क्या बात है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ी खुशी मिली। और जी कौन बोलना कहना चाहेगा? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम पुजेश है सर। पुजेश जी बताइए जरा। सर जैसा कि कल हम सभी एरिया में घूमे जी, ठीक है, हमने सभी एरिया में देखा कि सभी जगह बूथ लगे हुए थे, बहुत अच्छा सिस्टम था लड़कों ने किया हुआ, और सभी बरादरी का हमें फुल समर्थन था सर। तो अब बस 8 तारीख का वेट है, बस 8 तारीख को आपको भी खुशखबरी मिल जाएगी। चलो हम खुशखबरी का इंतजार करेंगे। पूजे जी आप लगातार एक्टिव मुझे भी दिखाई दिए जी, समय इतने बड़े बड़े काफिले, उधर कांग्रेस का, उधर बीजेपी वालों का, उधर अपने ब्रिज पर छप्पर जी, तो ऐसे में कई बार निराशा नहीं आती थी कि भाई हम तो यार देखो सर के सामने कहां स्टैंड कर रहे हैं? देखो सर, जब मैदान में उतर गए हैं ना, ये बात, तो फिर आगे चाहे कोई भी खड़ा हो, तो ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था किसी रड़े आदमी से पूछूंगा तो घबराने वाला नहीं बनता ना सीन, तो मैदान में उतरे हैं तो हां जी हां जी हां जी, तो बिल्कुल अंदर से मजबूत हैं कि हम जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एक दो से और बात कर लेते हैं, समय भी हो रहा है हमारा। हाँ जी, बस क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राजवीर है। राजवीर जी कहाँ के रहने वाले आप? मैं सादिकपुर से रहने वाला हूँ। क्या कुछ कहना, अपने गांव की रिपोर्ट बताओ। अच्छा, एक बार मेरे गांव में बहुत अच्छा माहौल था जी, लगभग मेरे जितने अपने परिवार के लोग हैं और मेरे जितने भी मेरे कास्ट के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा समर्थन किया, और जो अदर कास्ट के लोग हैं उन्होंने भी हमें बहुत भारी मात्रा में समर्थन किया है सर। क्योंकि हमारी जो पार्टी है, जो आजाद समाज पार्टी है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो हर एक कास्ट के लोगों के मुद्दों को उठाते हुए आए हैं, और ये जमीनी स्तर से जुड़ी हुई पार्टी है और जमीनी स्तर पे काम करने वाली पार्टी है। भाई सोहेल सढ़ोरा जी 15 साल से जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, और इनको भारी मतों से आप 8 तारीख को देखिएगा, हम जीत रहे हैं सढ़ोरा, हम जीत रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा। हाँ चलिए कर लेते हैं लास्ट बात बातचीत से। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। ये राजेंद्र जी क्या कहेंगे आप? जी मेरा तो यही कहना है कि भाई सोहेल सढ़ोरा जो है 101% नहीं 1001% जीत रहे हैं जी सढ़ोरा सीट को, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। 8 तारीख को आपको बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। चलिए जी आप बताइए जी, आप भी खुशखबरी देंगे भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल। लोगों ने बहुत अच्छी वोटों से चंद्रशेखर भाई को हाथों को मजबूत किया है, और सोहेल भाई को विधानसभा भेजने का काम किया है। बहुत जल्द हम भाई को विधानसभा भेजने में देखेंगे। क्या बात है। चलो एक बार फिर सोहेल जी के पास घूम फिर किया जाते हैं। सोहेल जी बताइए जरा, क्या संदेश देंगे जिन्होंने वोट डाली उनके लिए भी, और जिन्होंने ना भी डाली उनके लिए भी? सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबने साथ दिया, सबने प्यार दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये प्यार, ये जो मुझे समर्थन मिला, जो आशीर्वाद मिला, ये मुझे ताउमर याद रहेगा। और मैं
सढ़ोरा की जनता के लिए, या ये कहूँ कि मैं तो लगभग पूरे हरियाणा में मैं काम करता हूँ, तो पूरे हरियाणा की जनता के साथ साथ मैं सढ़ोरा की जनता का तय उम्र आभारी रहूँगा और जिंदगी भर जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। यानी 24 घंटे सोयल 24 घंटे अवेलेबल मिलूंगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जाति धर्म कोई भी हो, किसी को भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे जो बैनर पोस्टर जो बंटे हैं उनमें मेरा पर्सनल नंबर है, किसी को भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं सभी के साथ कभी भी दिन में रात को कभी भी मैं खड़ा मिलूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी, आपके सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी, बहुत जिन्होंने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेट न्यूज 71 की एक प्रस्तुति हमारे भाई सोहेल सढ़ोरा के चुनावी कार्यालय से। धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।